हर हर महादेव। कई लोगों का कहना है कि पिता जीवित हैं, माता पिता भी जीवित हैं दोनों, परंतु माता मह नहीं है, नाना नहीं है, किसी के नानी नहीं है, तो क्या उनका श्राद्ध होगा? अथवा माता मह का कब श्राद्ध होगा? तो और भी कई जिज्ञासा हैं, उनका सपिंड श्राद्ध होगा या अपिंड श्राद्ध होगा। जैसे जीवित पितृ को लिखा हुआ है कि पिंडदान नहीं करना चाहिए, जिनके पिता जीवित हों वे पिंडदान आदि कृत्य न करें, तो माता मह का श्राद्ध वो कैसे करेगा? और फिर ये पूरे महालय में माता मह का स्थान कब है? जब माता मह का स्थान हो तब माता मह का श्राद्ध हो सके। तो देखिए इसका बहुत सुंदर, सटीक, सरल, शास्त्रीय ढंग से धर्म सिंधुकार ने विवेचन किया है, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि माता मह का महालय श्राद्ध। आश्विन शुक्ल प्रतिपदी दौहित्रेण अनुपनीतेन अपि सपत्नीक माता मास्य पार्वणम मातुले सत्यपि अवश्यम कार्यम। देखिए आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में दौहित्र यानी पुत्री के पुत्र के द्वारा और अनुपनीतेन अपि, भले ही दौहित्र का यानी पुत्री के पुत्र का यज्ञोपवीत नहीं भी हुआ है तब भी सपत्नीक माता मां से पार्वणम, नानी के सहित नाना का पार्वण श्राद्ध करे। मातुले सत्यपि अवश्यम कार्यम, कोई कहे मामा हो तो माता मां का श्राद्ध हमारा मामा करेगा, बोले मातुले सत्यपि, मातुल हो तब भी, मातुल के होने पर भी दौहित्र के द्वारा अवश्य ही माता मां का यानी नाना का श्राद्ध किया जाना चाहिए चाहिए, अवश्यम कार्यम। और कोई कहे अगर नानी जीवित हो तो, बोले तब भी माता मही सत्वे केवल माता मह पार्वणम, यदि नानी हो तो केवल माता मह का नाना का पार्वण, नाना पर नाना और वृद्ध पर नाना, परंतु यदि नाना हो नानी चली गई है तो फिर वो उनका अलग से पार्वण नहीं होगा। कह रहे हैं अगर इदम जीवत पितृकेण एव कार्यम, परंतु ये जो श्राद्ध है माता मह का श्राद्ध ये वो अलग से, ये कब होता है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में अभी बतलाया, यानी नवरात्रि के प्रथम दिन, इसमें वो ही श्राद्ध करेंगे जिनके नाना नहीं है परंतु पिता हैं। पिता तो हैं और श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है, पर माता मां का श्राद्ध करेगा, चाहे जो है मामा हो या ना हो तब भी। तो अगर वो जो पिता जिनके नहीं है तो महालय में जब वो अपने पिता का श्राद्ध करेंगे तो उसी तिथि में उसी में और द्वितीय गोत्र पार्वण यानी माता मह का और माता मही का भी सपत्नीक एक श्राद्ध हो ही जाता है, साथ में ही होता है, क्योंकि महालय श्राद्ध नवदैवत्य है तो उसमें माता मह सपत्नीक होना अनिवार्य है, तो फिर अलग से उनको ये आश्रम शुक्ल प्रतिपदा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिनके जो है माता पिता नहीं है वे ही करें। इदम जीवत पितृकेण एव कार्यम, ये श्राद्ध जीवत पितृ के द्वारा ही किया जाना चाहिए। देखिए इदम सपिंडकम अपिंडकम वा, ये श्राद्ध सपिंडक या अपिंडक होगा, इसमें पिंड भी दिए जाएंगे तो तीन दिए जाएंगे, सपत्नीक माता मह, सपत्नीक प्रमाता मह, सपत्नीक वृद्ध प्रमाता मह के लिए। और अत्र पुरुरवार द्रव संज्ञा का विश्वे देवा, और परंतु एक पार्वणात्मक है, ये महालय का ही एक अंग है,
तो इसलिए इसमें प्रूरभा या प्रूरभा और आर्द्रव संज्ञक विश्वेदेव होंगे। और कोई लोग कहते हैं कि धूर लोचना इति केचित, कोई कहते धूर और लोचन ये दो विश्वेदेव होंगे, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। इयम प्रतिपद अपराण व्यापिनी ग्राह्या इति बावा। बहुत से लोगों का, बहुत से विद्वानों का, आचार्यों का मत है कि ये किस दिन श्राद्ध हो, जिस दिन ये प्रतिपदा अपराह्न काल व्यापिनी हो उसी दिन ये श्राद्ध हो। और कुछ लोगों का मत ये है कि संगम काल व्यापिनी इति केचित, कुछ लोगों का मत है कि संगम काल व्यापिनी ये हो उसी दिन ये हो जाएगा, प्रातः काल और प्रातः काल के बाद संगम काल, वो संगम काल व्यापिनी हो तब भी ये श्राद्ध हो जाएगा। तो ये अगर कोई प्रतिपदा में नहीं कर पाए तब, तो आगे कब तक हो सकता है? कहते हैं कि अस श्राद्धस्य यावत वृश्चिक दर्शनम गौड़ काल इति काल तत्व विवेचने। काल तत्व विवेचन नामक एक ग्रंथ में लिखा है कि जब तक वृश्चिक राशि पर सूर्य नहीं पहुंच जाए तब तक इसका गौण काल होता है। महालय श्राद्धवत, जो महालय श्राद्ध के गौण काल बतलाए गए हैं, मैंने भी वीडियो में इसकी चर्चा की है पीछे, तो उसी तरीके से ये माता मां के श्राद्ध का भी गौण काल समझना चाहिए। इति महालयादि निर्णय, इस तरीके से कि महालय में ये जो माता मां श्राद्ध का निर्णय संपूर्ण होता है। तो ये जो माता मां का श्राद्ध है ये अवश्य बताया जा रहा है, अवश्य करणीय है कि माता मां जिनके पिता माता हैं वे लोग अपने माता मह और प्रमाता मह के लिए मातृ प्रतिपदा में, मतलब ये जो नवरात्र की पहली तिथि में अवश्य ही श्राद्ध करें, ये जो है शास्त्र की आज्ञा है। चाहे उसका यज्ञोपवीत हुआ हो या नहीं हुआ हो, चाहे माता मातुल यानी मामा हो या ना हो, वो उनका अलग कर्तव्य है और इसका अलग कर्तव्य है। तो ये प्रायः ये अभी समाज में प्रचलित नहीं है, ये अवश्य होना चाहिए। इसी प्रतिपदा को मिला करके ये जो महालय के 16 श्राद्ध होते हैं, 16 दिन कहे गए हैं, तो उसमें ये प्रतिपदा की गिनती की गई है। कुछ लोग जो है पूर्णिमा को ले लेते हैं, परंतु मुख्य रूप से धर्म सिंधुकार, निर्णय सिंधुकार और भी जितने भी निबंधकार और आचार्य हैं, मुख्य रूप से सभी का यही मत है कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के आश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर्यंत 16 दिवसीय ये महालय श्राद्ध है। ठीक है, हर हर महादेव।